नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले एक दो दिन में विस्तार किया जा सकता है। ये फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इसके अलावा सर्बानंद सोनेवाला को भी मौका मिल सकता है। उन्होंने असम में बीजेपी को जीत दिलाकर हेमंत बिस्वा सरमा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की राह बनाई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। अभी 9 मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। सोमवार 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी के साथ राज्य सरकार भी लगातार लोगों को ढील देने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 20,70,723 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के 133 नए मामले सामने आए, जबकि 228 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। पार्टी 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा महाअभियान। पार्टी प्रदेश में बनाएगी 1 करोड़ सदस्य। अभी यूपी में किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। पार्टी सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। एसबीएसपी से 2 बार बात हो चुकी है। संजय ये कहते हुए नजर आए और अभी किसी से गठबंधन फाइनल नहीं है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार आप पार्टी अपनी पूरी बिसात बिछाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी पर संजय का ये बयान सामने आया है। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है, जहां अब से एयरपोर्ट कोरोना की जांच होगी। 1 घंटे में 200 यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। एयरपोर्ट पर जल्द रैपिड पीसीआर टेस्टिंग मशीन लगाई जाएगी। टेस्टिंग के बाद आधे घंटे में रिपोर्ट दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है, जहां पर अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर कोई यात्री सफर करता है तो उसकी आरटीपीसीआर तुरंत होगी और रिपोर्ट भी तुरंत उसे मिल जाएगी। ऐसा करने से यात्रियों को काफी आसानी होगी। लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, केजीएमयू ढूंढेगा ब्लैक फंगस की वजह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से। आईसीएमआर ने देश भर में 13 सेंटर बनाए हैं। यूपी में केजीएमयू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 1000 से ज्यादा मरीज अब तक मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। हमीरपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। हमीरपुर में लाखों रुपए के गबन मामले पर एफआईआर नगर पालिका अध्यक्ष पर की गई है और उसके साथ ईओ भी शामिल है। इनके साथ साथ 7 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम की तहरीर पर सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2020 में सरकारी धन के दुरुपयोग पर केस दर्ज हुआ है। मोधा पालिका अध्यक्ष यो समेत 7 पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं एक और बड़ी जानकारी प्रयागराज से मिल रही है। प्रयागराज में एसडीएम समेत 13 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। रेलवे की 41 बीघा जमीन बेचने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले की जांच की। झूसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे की 71 बीघा जमीन थी बताई जा रही है। इसी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ललितपुर से अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर हालत में युवक को भर्ती कराया गया है। जखौरा थाना क्षेत्र राजघाट रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
अगली बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है, जहां पर रिटायर्ड बीएसएफ जवान के घर लूट का मामला देखने को मिला है। 6 दिन के बाद भी लूट का खुलासा नहीं हो पाया। महिला से असले के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी गहने लूट कर चोर फरार हो गए थे। सहजनवा के भीटी रावत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। बागपत से बड़ी खबर मिल रही है, जिला पंचायत चुनाव शांति से होना चुनौती। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी पैनी नजर। और अगली बड़ी जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में गर्मी लगातार अपने प्रचंड रूप में है। राजधानी दिल्ली में 90 साल का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में 1 जुलाई को 45 डिग्री पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में 5 दिन से पारा 40 डिग्री के पार है। दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान 45.2 डिग्री, वहीं नजफगढ़ में 44 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। आगे बढ़ते एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। हमीरपुर से मिल रही है, जहां राठ सीएससी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। वाहन न मिलने पर स्ट्रेचर पर शव पड़ा रहा, किसी ने उसकी देखरेख नहीं की। करीब 2 घंटे तक शव यूं ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि किशोरी का यह शव था। वाहन चालक ने डीजल न होने पर मना कर दिया। निजी वाहन से भेजा गया किशोरी का शव। एक और बड़ी जानकारी रायबरेली से मिल रही है। रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग का एक पूरा मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बाइक सवार अरेस्ट हुए हैं। पुलिस जांच में मुनव्वर राणा के बेटे पर आरोप लगा है। बेटे तबरेज पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप और चचेरे भाइयों चाचा को फंसाने का प्लान था। फुटेज में तबरेज शूटरों के साथ पूरी तरह से मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है और अब ये पूरा मामला गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।